बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक लेकर भी घमासान अपने चरम पर है। फुरफुरा के पीरजादा के चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान के साथ सारे समीकरण गड़बड़ होते दिखाई दे रहे हैं। ममता बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, तो बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा यानी ममता बैनर्जी के लिए बड़ा खतरा। हमारा जो एजेंडा है संविधान की गणतंत्र जो अधिकार है वो अधिकार पिछड़ा हुआ आदमी के पास पहुंच देना, उसका जो अधिकार उसको मिला देना। देखिए जो हमारा विरोध में आएंगे उसी के साथ हमारे गणतंत्र का चुनाव लड़ेगा। बस शुक्रिया। यह बात सिद्दकी है, बंगाल में मुसलमान वोटरों के नए दावेदार, देश की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दकी की महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है। ऐसा क्यों ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा इनका ये ऐलान सुन लीजिए। जब आदमी का काम कोई पार्टी करे तो आदमी उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा ना। सब काम जब सपोर्ट करेगा इसमें हमारे डर क्या है, वो आ जाएगा ये रूह खत्म हो जाएगा, इससे डर काहे को लग रहा है। निश्चय सही से काम नहीं तो किया है। लगता है ममता बनर्जी सही से काम नहीं की है, अगर करते तो इसी हालत ऐसा होता। एक मजहबी जमात को अचानक चुनावी मैदान में उतरने का ख्याल यूं ही नहीं आया। राजनीति में हाथ आजमाने की इस हसरत के पीछे वजह पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। सेंट्रल बंगाल की बात करें तो करीब 56.6%, नॉर्थ बंगाल में 45.7%, दक्षिण बंगाल में 24.1%, पहाड़ी क्षेत्रों में 14.9%, जंगल महल जोन में 9.1%। इन आंकड़ों से बंगाल में मुस्लिम आबादी के दबदबे का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। मुसलमानों के आसरे ही टीएमसी का जनाधार रहा है, जबकि सिद्दकी इसमें सेंध लगाने उतरे हैं। टीएमसी के लिए खतरे का सबब हो सकता है। सांप्रदायिकता में नहीं होता, बीजेपी का सांप्रदायिकता में भी नहीं होगा, दूसरा और किसी का सांप्रदायिक पार्टी यहाँ पर वोट नहीं भाग कर सकता है। बीजेपी को सुविधा करने के लिए बहुत सारे ये आ रहे हैं, ये सब इसमें उसका कुछ अपना डाल नहीं कर रहा, उसको भी दे, ये सब बीजेपी का वोट कटुआ है, बीजेपी का वोट कटुआ है। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम बंगाल के जनता जो है इतने बुद्धू तो नहीं है। लाभ क्षति हमारा हिसाब करें, हमारे परिश्रम कर जीतते चाहिए। बीजेपी पूरा कॉन्फिडेंस 200 आसन नहीं क्षमता आसबे। बंगाल की राजनीति का सीधा सूत्र है, अगर मुस्लिम वोट बटे तो ममता बैनर्जी मुश्किल में पड़ जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? लेफ्ट कांग्रेस को नजरअंदाज भी कर दे तो ममता ओवैसी और अब फुरफुरा के पीरजादा, क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा? कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अफसरों पर सोशल मीडिया पर निशाना बनाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि बिहार पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। नई एडवाइजरी के तहत सोशल मीडिया पर बेलगाम टिप्पणी करने वालों को खबरदार किया गया है, आगाह किया गया है कि ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सरकार की इस एडवाइजरी पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी ने ट्वीट किया है, नीतीश सरकार पर तीखी टिप्पणी की है और सरकार को गिरफ्तार उन्हें करने की चुनौती दी है। बिहार पुलिस की एक एडवाइजरी जिस पर तेजस्वी यादव का ट्वीट, उन्होंने कहा है कि ट्वीट करना वो जारी रखेंगे, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो होने दें। साइबर अपराध की श्रेणी में आने वाले मामलों के लिए जो कदम उठाया गया है निसंदेह ये स्वागत योग्य पहल है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर हमारी सरकार ने अगर कोई कदम उठाने का निर्णय लिया है तो इसकी सर्वत्र सराहना की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरे तौर पर डर चुकी है, क्योंकि सरकार अपने विज्ञापन के माध्यम से सच्चे खबरों को आम जन तक पहुंचने नहीं देती है। मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए बिहार की सरकार ने एडीजी के माध्यम से पत्र जारी किया है कि कार्रवाई की जाएगी।